हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? आज आपकी क्लास बोर्ड पर नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा कुछ हमारा रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो डोंट वरी बेटा, बस थोड़ा सा 2-3 दिन की बात है। उसके बाद जो आपकी क्लासेस हैं वो एज़ यूज़ुअल जो हम किया करते वीडियो वैसे ही बनेंगी, ठीक है? तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा है बेटा आज का हमारा? सिग्निफिकेंट फिगर्स का है टॉपिक। लास्ट टॉपिक है हमारा ये यूनिट का। क्लियर है बात? फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये हमारा। उसके बाद हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। क्या है हमारा आज का यूनिट टॉपिक? क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पहले जो हमारी टर्म है वो कौन सी है बेटा? एक्यूरेसी, ठीक है? एक्यूरेसी हमें क्या बताती है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है ना वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। कई बार आपने सुना भी होगा भाई एक्यूरेसी के साथ ये काम कर। क्लियर है बात? ठीक है, एक्यूरेसी का क्या मतलब है? सपोज करो इस पेन की लेंथ कितनी है? 10। कितनी है? 10.5 है। ओके, एक स्टूडेंट 10.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? या फिर मैं बोल दूँ कुछ भी 10.5321 कुछ है, सेंटीमीटर है, ठीक है? एक स्टूडेंट ने कितना मेज़र किया बेटा? 10.1 मेज़र किया, ठीक है? दूसरा स्टूडेंट बोला कि सर मैंने 10.2 आई है मेरी वैल्यू। थर्ड बोला 10.3 आई है। तो उसकी किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? जिसकी 10.3 आई है उसकी क्लोज वैल्यू है किसके? 10.5 के। अगला आया, अगला बोला सर मेरी 10.4 वैल्यू आई है मेरी मेजरमेंट जब हमने किया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ किसकी वैल्यू आई है? तो जो 10.4 वैल्यू आई है, 10.4 सेंटीमीटर, ठीक है, थी कितनी? 10.5321 कुछ ऐसी वैल्यू थी इसकी। क्लियर है? हम क्या बोलेंगे मोर एक्यूरेट किसकी वैल्यू है? मोर एक्यूरेसी के साथ किसकी है? जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 10.4 आई है। ओके बेटा, तो ये हमारे पास किसका कंसेप्ट आ गया? एक्यूरेसी का कंसेप्ट आ गया। उसके बाद अगला क्या आता है? प्रिसिशन। प्रिसिशन जो हमारा प्रिसाइज कर देना, प्रिसिशन क्या होता है हमारे पास कि रिजोल्व करना किसी चीज़ को, क्या कर देना? रिजोल्व कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस पेन की लेंथ कितनी बताई थी? 10.5327 कुछ ऐसी, 5 कुछ भी ऐसी वैल्यू बताई थी मैंने आपको। क्लियर है? ठीक है, सपोज करना है सेंटीमीटर। अगली बात समझ, एक बच्चे ने वैल्यू क्या निकाली? 10.4 निकाली। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरे ने कितनी निकाली? 10.32 निकाली। अब किसकी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है बेटा? इन दोनों में किसकी प्रिसाइज ज़्यादा वैल्यू है? तो आप क्या बोलोगे? सर जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा, जिसका रिजोल्यूशन इसने ज़्यादा डीप तक क्या करा, इसने इसको ज़्यादा आगे तक सोल्व किया है, ज़्यादा रिजोल्व किया है। क्लियर है बात? ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? ये वैल्यू कैसी है? ज़्यादा प्रिसाइज। अब एक स्टूडेंट ने कितनी वैल्यू की? 10.432। अब रिजोल्यूशन किसका ज़्यादा दिख रहा है इन तीनों क्वांटिटी में? आप बोलोगे सर इसका ज़्यादा दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये वैल्यू हमारे पास कैसी है? ज़्यादा प्रिसाइज है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या बोला? सर मेरी वैल्यू आई है 10.4215। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? इसकी वैल्यू इसने क्या किया? और ज़्यादा पॉइंट के बाद और ज़्यादा रिजोल्व किया है इसको, तो हम क्या बोलेंगे? इसने क्या किया है? इसकी वैल्यू कैसी है? और ज़्यादा मोर प्रिसाइज है। क्लियर है बात? इसकी वैल्यू कैसी है? मोर प्रिसाइज, ज़्यादा रिजोल्व कर रखा है इसने वैल्यू को, ज़्यादा रिजोल्व करके दिखाया। तो जो जितना ज़्यादा रिजोल्व करके दिखाएगा, सपोज करो एक बच्चे ने खाली ये बोला 10 किलोमीटर, एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ मैं, वैसे ही बोल रहा हूँ, ये एक बच्चे ने कितना बोला? 10 किलोमीटर और 4 मीटर। आगे बात समझ, दूसरा बच्चा क्या बोला? 10 किलोमीटर 32 मीटर। इसने क्या बोला था? 4, अगर हम बोलें इसको तो हम क्या बोलेंगे? 400 बोलेंगे मीटर की टर्म्स में, लेकिन इसने क्या बोल रखा है? 10 किलोमीटर और 4। इसने कितना किया? 32 तक किया। इसने कितना किया? 10 किलोमीटर। उसने पूरा बताया 432 मीटर है, 432 मीटर है, इसने ज़्यादा रिजोल्व किया। उसके बाद इसने मीटर तक तो किया, इसने 421 जो इसने बताया मीटर का कंसेप्ट तो बताया, बाद में वो सेंटीमीटर मिलीमीटर तक भी अगर जो लेके जाएगा
वो कैसी वैल्यू बता रहा, हमें मोर प्रीसाइज बताने लग रहा है, क्लियर है बात? ठीक है, इसने तो एक छोटी सी लोकेशन बता दी बस, उसके बाद इन्होंने मोर एक्यूरेसी के साथ, मतलब क्या मोर प्रीसाइज, मोर रिजोल्व करके बताओ उस चीज़ को, क्लियर है? खैर प्रीसेशन के एक्यूरेसी के साथ कोई फंडा नहीं होता, प्रीसेशन के अंदर हम सिर्फ क्या देखते हैं, रिजोल्विंग पावर देखते हैं, क्लियर है बात? ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे दो टॉपिक थे बेटा, जो आपको दो टर्म्स याद रखनी है, एक्यूरेसी और प्रीसाइज। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, ट्रू वैल्यू को कितने क्लोज है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, और प्रीसेशन का मतलब कितना ज़्यादा रिजोल्व करके देखा है, जितना ज़्यादा रिजोल्व करके देखेंगे वही क्या होगा, उतना ज़्यादा प्रीसाइज होगी वो वैल्यू, क्या होगी, ज़्यादा प्रीसाइज होगी। ठीक है, कि हमने ज़्यादा इसको डीप तक करके दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ गई बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या बताते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर वो होती हैं जो हमारे काम की होती हैं, क्लियर है बात? ठीक है, सिग्निफिकेंट है भाई, इनकी कुछ ना कुछ महत्व है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब, अब हम आज की जो क्लास है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। द डिजिट दैट आर नोन रिलायबल प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन है सिग्निफिकेंट फिगर। होती क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? ठीक है, सपोज करो मैं आपको यहाँ से बोल दूँ कि यहाँ से लेके और कन्याकुमारी का डिस्टेंस कितना है, और एक बच्चा बोला सर वो है 2000 किलोमीटर, कितना है 2000 किलोमीटर है, क्लियर है बात? ठीक है, अब यहाँ हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कैसी डिजिट है, 2000 है, तो इसकी लिमिट कहाँ तक जा सकती है, हम बोले 1000 तक भी जा सकती है और 3000 तक भी जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है बेटा, 1000 तक भी, और आगे कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक जा सकते हैं, 3000 भी। ये कहाँ लाई करने लग रही है, 2001 और 3000 के बीच में, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आया, वो क्या बोला, सर जो वैल्यू है ना कैलकुलेशन है वो कितनी है, 2300 है, क्लियर है बात, कितनी है, 2300 है। तो हम क्या बोले इसके अंदर एक डिजिट तो कैसी होगी सर्टेन, ठीक है, और एक डिजिट कैसी अनसर्टेन। यहाँ हम क्या देखेंगे, 2000 से 1000 का गैप कितने का था, 1000 का, 2000 से 3000 का गैप भी कितने का, 1000 का था, क्लियर है? ठीक है, लेकिन यहाँ जो नेक्स्ट बच्चे ने हमारे स्टडी करके बताई है, उसने क्या बताया, 2000 तो सर्टेन है, क्लियर है बात, यहाँ तो यही अनसर्टेन था, ये क्या आ गया इस रीडिंग के अंदर, ये कैसा बन गया, सर्टेन बन गया, और 300 कैसा बन गया, अनसर्टेन बन गया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 2000 तो कंफर्म हो गया, सर्टेन हो गया, और 300 की वजह हम क्या बोलेंगे, इसकी लिमिट कितने के अंदर कर दी नेक्स्ट स्टूडेंट ने, हम बोले ये या तो 400 हो सकती है या फिर 200 हो सकती है, बस क्लियर है बात, या तो 200 जा सकती है या 400 जा सकती है। इट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारे पास क्या आ गई, सर्टेन आ गई, और एक क्या आ गई, अनसर्टेन। नेक्स्ट स्टूडेंट आया, वो बोला सर मैंने इसकी कैलकुलेशन की है, वो कितनी है, 2320 किलोमीटर, क्लियर है बात? ठीक है, अब हम क्या बोले भाई, 2000 कन्फर्म, 300 भी कन्फर्म, मतलब क्या बोला उसने, 2300 तो कैसे हो गए, कन्फर्म हो गए। अब जो ये है टू, ये दो तो हमारे पास कैसी डिजिट आ गई बेटा, इनको क्या बोलेंगे, सर्टेन है। ठीक है, इतना डिस्टेंस तो सर्टेन है, कंफर्म है। अब ये टू है ना, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कहाँ से कलाई करेगी, या तो 10 बोलेंगे इसको या क्या बोलेंगे, 20। ध्यान से देखना, इसको क्या बोला था इससे पहले, 1000 या 3000, इसको क्या बोला था, 200 या 400, इसको हम क्या बोलेंगे, 10 या 30, क्लियर है बात? तो दो तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास सर्टेन डिजिट आ गई, और एक कैसी आ गई, अनसर्टेन आ गई, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ जब हम बात करेंगे इसके अंदर किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट आया और वो क्या बोला, सर मैंने क्या किया है, मेज़र किया है, तो हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे सर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, सर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या चीज़ बताएंगे, यहाँ क्या थी, एक अनसर्टेन डिजिट थी, यहाँ क्या है, एक सर्टेन है और एक अनसर्टेन है, यहाँ क्या है, दो सर्टेन है और एक अनसर्टेन है। ठीक है, यहाँ क्या है, तीनों सर्टेन है और एक कैसी है, अनसर्टेन। यहाँ देखो खाली डाउट कितने का है, यहाँ डाउट सिर्फ और सिर्फ कितने का बेटा, 10 और 30, ये वैल्यू यहीं तक तो जाएगी खाली, ये सारी इसने और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वैल्यू निकाली है। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं, 1 2 3, यहाँ कितने हैं, 1 2, और यहाँ कितना है, 1 है सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर है बात? थोड़ा सा समझ आया आपको, तो ध्यान रखना ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेन है, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू कैसी कहाँ तक है, या तो 1000 या 3000। उसके बाद हम क्या बोले भाई, ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ आ गई अनसर्टेनिटी, तो ये तो सर्टेन और ये अनसर्टेन,
अनसर्टेन, सर्टेन अनसर्टेन, मतलब जो लास्ट की डिजिट है वो कैसी बोलने लग रहा हूँ मैं, अनसर्टेन बोलने लग रहा हूँ, क्लियर है बात? ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर बेटा अब हमें क्या करने हैं, उसके रूल्स करने हैं। जैसे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 4, इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर 1 2, इसके अंदर 1 है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा वो क्या है, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो रूल है वो क्या है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने का, वो हमारे पास क्या है, ऑल नोन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये बोला जाता है, बेटा मैं लिखूंगा तो नहीं, आप ध्यान रखना कि ऑल नोन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब सपोज करो कोई वैल्यू दे दी हमें ए की, ए की वैल्यू कितनी है 4321, क्लियर है बात, कितनी है 4321। ठीक है, अब उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, इसके पास ये सारी की सारी कैसी डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट है तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 4 है इसके अंदर। ठीक है, सपोज करो मैं कहता हूँ कि बी की वैल्यू कितनी है 199, क्लियर है बात, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, कितने हैं, 3 है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ऑन नॉन जीरो डिजिट आंगी होंगी ना, जो ऑन नॉन जीरो हैं सारी की सारी, वो कैसी होती है, सिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है, अब इसका रूल नंबर बेटा क्या लिखेंगे हम, सेकंड लिखेंगे। सेकंड के अंदर क्या बताओगे कि ऑल जीरो अकरिंग इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर डेसिमल पॉइंट इज। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, उसने क्या चीज बोली है कि जो ऑल जीरो होंगी ना, जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगी, क्लियर है बात, ठीक है, उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई टर्म है हमारे पास कितनी है कि 2005, ये नॉन जीरो 2 और 5 और 0 इनके बीच में लाई कर रही है, तो ये दोनों 0 को भी क्या कंसीडर किया जाएगा बेटा, सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, तो 4 हो गया इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज करो अगर मैं लिख देता हूँ 7005, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, आप बोलोगे 4 है। अब मैं बोलता हूँ 2.0903, क्लियर है बात, ठीक है, पॉइंट है कुछ भी है लेकिन सारी जीरो किसके बीच में रहे, नॉन जीरो टर्म्स के बीच में आने लग रहे, तो जो जीरो है ना उनको भी क्या कंसीडर किया जाएगा, सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर बताना बेटा इसमें आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5 है सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फंडा। रूल नंबर 3, ठीक है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, अगर क्या होगा मन से कम होगा, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है इस चीज का, कि अगर उसने बोला है कि हमारे पास कोई लेस देन 1 का मतलब क्या, जीरो से स्टार्ट हुई है कोई क्वांटिटी 0.003201, ये क्वांटिटी हमारे पास, क्लियर है बात, ठीक है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट बताने, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉइंट से पहले क्या हमारे पास जीरो है, तो हम किसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे, ना इनको कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट खाली कौन से बच गए, 3201, क्लियर है बात, ठीक है, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए बेटा इसके अंदर, 4 आ गए, क्लियर है बात, ठीक है, द जीरो बिटवीन हमारी जो 3 और ये है ना 1, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट कंसीडर की जाएगी, 3 और 1 के बीच की जो है ना, ठीक है, उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए बेटा इसके अंदर, 4 आ गए, क्लियर है, इन जीरो को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऊपर ही बताया था ना जीरो जो बीच में लाई करेगी उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया बेटा रूल नंबर 4 आ गया, याद रखना बेटा ये सारे के सारे रूल। ठीक है, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर कोई भी हमारे पास जीरो है, ठीक है, यहाँ कोई डेसिमल का फंडा नहीं बोल रहा, मैं बोलने लग रहा हूँ 2130 मीटर है, क्लियर है बात, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या बताएंगे, जो ट्रेलिंग जीरो है ना, जो ट्रेलिंग जीरो ये पीछे वाली जो ट्रेलिंग है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है, जो ट्रेलिंग जीरो है उसको हम ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। 213 खाली कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 3, कितने हैं, 3 हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जो ट्रेलिंग जीरो है ना उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किया जाता बेटा। खैर इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक वैल्यू होती है हमारे पास कौन सी, मेजर्ड वैल्यू, क्लियर है बात। अगर न्यूमेरिकल के अंदर उसने ये लिख रखा है ना कि 2130 मीटर मेजर्ड वैल्यू है, कैसी है, मेजर्ड,
ठीक है, मेजर्ड का क्या मतलब है, उसने खुद मेजर कर रखी है। उस केस में ये वैल्यू आई कैसे है, ये वैल्यू कैसे है, 2129 29 30 31, भाई कैसे मेजर किया उसने, 2125 2126 7 8 9 30, मतलब ऐसा नहीं है, उसने तो ये चीज़ मेजर्ड कर रखी है। मेजर्ड होगी ना, अगर ये क्या होगी, मेजर्ड, तो बेटा इस ट्रेलिंग जीरो को भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का थोड़ा सा। अगर एक तो डायरेक्ट वैल्यू दे दे तो ये ट्रेलिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 हैं। और अगर ये मेजर्ड होगा तो हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, ये सिग्निफिकेंट फिगर 4 है और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, पर ध्यान रखना इसके साथ मेजर्ड लिखा होना चाहिए, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, फोर्थ रूल आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ की, ठीक है। अब अगर मैं बात करने लगा किसी नंबर की विद डेसिमल पॉइंट, कोई नंबर कंसीडर किया डेसिमल पॉइंट के साथ, उसके अंदर हम ट्रेलिंग जीरो को क्या कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल 2.500 है, क्लियर है बात, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, जो ट्रेलिंग जीरो है ना, उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किया जाएगा। 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, 4 हैं। इसके अंदर समझ आया था, इसके अंदर हमने ट्रेलिंग जीरो को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन पॉइंट वाले के हैं बा अंदर हम क्या देखेंगे, जो ट्रेलिंग जीरो है ना, इनको हम क्या कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 0.00023500, क्लियर है बात, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट में कंसीडर किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, इसके अंदर 5 हैं। आगे बात समझ, ठीक है, कितने हैं, 5 हैं। इसमें कितने हैं, 4 हैं। इसमें कितने हैं, 3 हैं। इसमें कितने हैं, 4 हैं, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने, रूल नंबर हमारे पास कौन सा था, 5 था, ठीक है। क्या कि जो पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरो आएंगी ना, ठीक है, उनको सिग्निफिकेंट में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमने यूनिट चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था बेटा, सपोज करो कोई भी क्वांटिटी थी, एक्स इज इक्वल टू 5.608 सेंटीमीटर। अब बताना सिग्निफिकेंट फिगर कितने, आप बोलोगे सर 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 4 हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसको mm में कन्वर्ट कर दो, मिली मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या बोलोगे, 5.608, ये किस में कंसीडर कर दिया, कन्वर्ट कर दिया बेटा हमने, मिली मीटर में कर दिया। अब मैं कहूँ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप दोबारा क्या बोलोगे, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है, इसमें भी कितने थे, 4 थे। मैं कहता हूँ इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर में क्या बन जाएगा, किलोमीटर में करोगे तो 0.0000, ठीक है, 5608 किलोमीटर, क्लियर है बात, ठीक है। कितना बन गया, 0.00005608 किलोमीटर, क्लियर है, ठीक है। उस केस में भी हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4, यहाँ भी कितनी थी, 4, यहाँ भी कितनी थी, 4। इट मीन्स क्या, यूनिट है ना, ठीक है, जो उसने क्या बोला, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। चेंज ऑफ यूनिट हमने सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर कुछ भी लो, चेंज ऑफ यूनिट कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करती, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है बेटा। रूल नंबर सेवन के अंदर क्या बोला, द डिजिट जीरो कन्वेंशन पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन वन इज नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब इसके अंदर उसने क्या चीज़ें बोली हैं कि जैसे उसने ये बोल दिया कि हमारे पास ये क्या है, 0. ये तो अच्छा मैंने पहले बता दिया शायद, ये 3570, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली जीरो तो क्या होगी, हमारी सिग्निफिकेंट कंसीडर की जाएगी, ये बात समझ आती है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 हैं इसके अंदर। आई होप के होगी, अगर एक आधा कोई रूल रह गया होगा बेटा तो एक बार देख लेना, ठीक है। जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहे हैं तो ये हमारे सारे के सारे रूल हो चुके हैं, ठीक है। नॉन जीरो सारी की सारी सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे, जीरो अगर बीच में आ गई तो कंसीडर की जाएंगी सिग्निफिकेंट, ठीक है। बीच में आ गई पॉइंट के बाद अगर ये वाली, तो कंसीडर की जाएगी, ये वाली नहीं की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया बेटा, कि हमारा जो नंबर होगा, ठीक है, अगर उसके अंदर मेजर नहीं लिखा तो ये वाली ट्रेलिंग भी जीरो हमारी, पॉइंट वगैरह नहीं है इसके अंदर, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ ना 2100 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप बोलोगे सिर्फ 2 हैं, अगर मेजर लिखा है तो सबको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद लेकिन पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग जीरो होती है ना, ठीक है, ये विदाउट पॉइंट थी ट्रेलिंग और ये पॉइंट के बाद की थी, इनको सिग्निफिकेंट में कंसीडर किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारा बेटा, कि जो ये हमारे आने लग रहे हैं पॉइंट के बाद, सॉरी जब हम इसको चेंज कर देंगे, किसको, यूनिट को चेंज करेंगे, तो हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। किस चीज़ के ऊपर नहीं पड़ने वाला, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, चाहे वो मिलीमीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कैसे रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके बारे में था, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में था। ठीक है, अब उसके बाद बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा किसका राउंडिंग ऑफ का है, किसका राउंडिंग ऑफ का है, क्लियर है। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ का जो हमारा है ना, क्या नाम है, उसके अंदर भी क्या है, राउंड ऑफ करना। ठीक है, राउंड ऑफ का मतलब क्या है, उसकी अप्रोक्सीमेट नंबर। ठीक है, अब जिसके अंदर क्या है, जो मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट्स को हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, एक काम और करते हैं, या तो बेटा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा राउंड ऑफ का, क्योंकि इसके बारे में हमें थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है, मैं नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट करवा दूंगा। क्लियर है, इसके न्यूमेरिकल आपको करने हैं बेटा, और फिलहाल क्या करना है, जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ठीक है, इनको अच्छे से करना है, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान से करना, जो रूल्स है ना बेटा, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिए, पर आपको बुक से अच्छे से करने हैं रूल्स, और कल हम राउंडिंग ऑफ का करेंगे, फिर आपको अपने सोल न्यूमेरिकल करने हैं इसके अंदर, क्लियर है बेटा। ठीक है, और ये रूल्स अपने नोटबुक के अंदर ना बुक से लिखने हैं, ये तो मैंने आपको बता के और सिर्फ एग्जाम्पल लिख दिए, क्लियर है, आपको ये अच्छे से करने हैं। ओके बेटा, इसके सोल न्यूमेरिकल करने हैं। ओके बेटा, बाय।